हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर्स एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। पहले क्वेश्चन को आप समझ जाए, क्वेश्चन को अच्छी तरह अगर आप समझेंगे तो इक्वेशन बनाना आसान होगा। जब तक आप इक्वेशन बनाना नहीं आएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। देखिए, सम ऑफ द टू डिजिट नंबर बोल रहा, उसके बाद इफ द डिजिट नंबर डिफरेंस बाय टू, जो डिजिट लेते हैं उसको हम क्या करना है, डिफरेंस टू करना है। फाइंड द नंबर, हाउ मच द नंबर आर देयर, कौन कितने नंबर्स इसके अंदर है हमको मालूम करना है। देखिए, सपोज हम क्या करेंगे, लेट यूनिट प्लेस को हम क्या सपोज करेंगे, एक्स सपोज करेंगे। उसी तरह यहाँ पर नेक्स्ट 10 प्लस, यहाँ पर टू डिजिट नंबर बोल रहा, टू डिजिट जो होगा 10 से शुरू होगा, टू डिजिट, लेट टू डिजिट नंबर, टू डिजिट इसको हम क्या कहेंगे, यूनिट प्लस क्या हो जाएगा, ये 10y हो जाएगा, 10y इस तरह ले सकते हैं आप। ये एक्स है, ये क्या है, यहाँ पे यूनिट प्लस है, और उसी तरह ये क्या हो गया, ये 10 प्लस है, ये टेन प्लस ये हो गया, 10 प्लस हो जाएगा। तो अगर सपोज इसको एक्स ले रहे, 10 प्लस क्या हो जाएगा, 10y। इस तरह आप ले सकते हैं। तो यूनिट प्लेस को हम क्या लिए, एक्स लिए, 10 प्लस टू डिजिट नंबर को हम क्या लिए, 10y लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उन्हें इन दोनों को सम करो, बोला सम ऑफ द नंबर्स। अगर सम ऑफ द नंबर्स माने हम दोनों को ऐड करेंगे, पहला x है, उसके बाद 10y है। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, इसको रिवर्सिंग भी करके ऐड करो, बोला रिवर्सिंग मतलब x को क्या बना देंगे, y, ये 10y को 10x बना देंगे, 10x प्लस y बना देंगे। फिर ये दोनों को सम ऑफ द टू टर्म्स ये दोनों को ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे, ये एक दोनों को, क्या है, पहले वाला x प्लस 10y है, दूसरे वाला है 10x प्लस y है। इन दोनों को इक्वेट किसके बराबर हो रहा, क्वेश्चन के अंदर 66 इज बोल रहा, इज का मतलब क्या है, इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, 10x और x ऐड कीजिए आप, क्या बन जाएगा, 11x बन जाएगा, 10y और y बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, 11y बन जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया आंसर, 66। अब यहाँ पर हम 11 को कॉमन ले सकते हैं, तो x बच जाएगा, यहाँ से y बच जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 66। अब यहाँ पर x प्लस y इज इक्वल टू 66 बाई 11 आप कर सकते हैं, 11 ones 11 6। तो इक्वेशन x प्लस y इज इक्वल टू 6, ये आ गया आपका इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन आपके पास हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर और क्या बोल रहा है, इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो डिजिट ऑफ द नंबर्स डिफरेंस बाय टू बोल रहा, डिजिट ऑफ द, अब सपोज एक नंबर को अगर डिफरेंस माने माइनस करना, बाय द प्रॉब्लम आप ले रहे हैं, पहला नंबर यूनिट प्लेस है, इसके अंदर माइनस करना है, डिफरेंस करना है, तो माइनस करने के लिए हम क्या लेंगे, एक्स माइनस वाई लेंगे, इज इक्वल टू क्या देंगे इसको, 2। ये आपका इक्वेशन सेकेंड बन गया। अब इसको हम सॉल्विंग 1 and 2 करेंगे, फर्स्ट वाला इक्वेशन आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 बन जाएगा, दूसरे वाला x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब इन दोनों को आप क्या कीजिए, सॉल्व करने के लिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, 2 ones 2, 2 4 8, x इज इक्वल टू आ गया 4। अब इसको सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन 1 में करेंगे, वन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, तो एक्स ही प्लस में हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, तो 4 हो जाएगा प्लस वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 6, वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 4, वाई इज इक्वल टू क्या हो गया आपका आंसर, ये 2। दो आंसर्स आ गए। अब देखेंगे 66 हो रहा या नहीं हो रहा, हम जो इक्वेशन लिए देखेंगे इसके अंदर क्या लेंगे, पहला हम लिए एक्स प्लस 10y प्लस 10x प्लस y, इसका आंसर कितना हो रहा, 66। ये देखेंगे हम बराबर हो रहा या नहीं हो रहा। अब x की वैल्यू आ गई हमको 4 आ गया, 10y की वैल्यू आ गई 2 आ गया, फिर दोबारा 10x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, y की वैल्यू हमारे पास 2, ये 4, 10 टू 20,
टेन फोर ज़ा 40 प्लस है 2 24 ये हो गया 64 ये हो गया 66 बराबर है। इस तरह हम इसको बराबर सॉल्व कर सकते। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलिए ताकि नए आने वाले वीडियोस आप तक जल्दी पहुंचे।